14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में गौरी दयाल माथुर और भोली रानी के घर एक बालक ने जन्म लिया। नामकरण किया गया हरदयाल सिंह माथुर, जिसने भविष्य में अपनी विशिष्टता, विद्वता और प्रचंड भारत प्रेम के कारण विश्व में ख्याति अर्जित की। लाला हरदयाल अद्भुत स्मरण शक्ति और विलक्षण बुद्धि के मालिक थे। वे भारतीय स्वतंत्रता के निर्भीक समर्थक, उच्च कोटि के विद्वान और ओजस्वी वक्ता भी थे। दिल्ली और लाहौर में शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत छात्रवृत्ति के आधार पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उच्चतर शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। उनकी विलक्षण बुद्धि केवल शिक्षा तक ही नहीं सीमित थी, वह एक ही समय में कई काम करने की अद्भुत योग्यता रखते थे। उदाहरण के तौर पर शतरंज खेलते समय वह पुस्तकें भी पढ़ रहे होते थे। उनके एक घनिष्ठ मित्र लाला हनुमंत सहाय ने एक बार वर्णन किया था कि लाला हरदयाल ICS की परीक्षा दे रहे थे और परीक्षा में एक प्रश्न था कि अगर आप किसी दरिद्र, अशिक्षित और बंजर राष्ट्र के शासक बनते हैं तो प्रशासन कार्य कैसे संचालित करेंगे। लाला हरदयाल ने एक ही पंक्ति में अंग्रेजों की कुटिल नीति को उत्तर के तौर पर लिख दिया, फूट डालो राज करो। हनुमंत सहाय जी के अनुसार सारे ब्रिटेन में हलचल मच गई थी। उनको ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण करना तो दूर की बात, उनके भारत वापस आने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। इंग्लैंड से फ्रांस और कनाडा जैसे देशों में घूमने के बाद लाला हरदयाल अमेरिका जा बसे। वहां एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी नियुक्त हो गए। उन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विदेशों में बसे भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की ज्योत जलाना था और साथ ही साथ क्रांतिकारी मार्ग से देश को ब्रिटिश शासकों के पंजे से स्वतंत्र करवाना था। अनेक क्रांतिकारी गदर पार्टी की ही देन है। उनमें से प्रमुख नाम करतार सिंह सराभा का है। असाधारण स्मरण शक्ति, विलक्षण बुद्धि के स्वामी और भारत माता के होनहार सपूत लाला हरदयाल जी की 14 अक्टूबर 2020 को उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर समस्त IMC परिवार नतमस्तक होकर नमन करता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गुड IMC। जिन लोगों ने IMC बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।